हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं दोस्तों कूलिंग टावर में यूज होने वाले जो है 12 केमिकल। ठीक है, ये सबसे पहले हम ये देखेंगे कौन कौन से केमिकल जो है कूलिंग टावर में यूज होते हैं। ठीक, उसके बाद हम एक और कॉमन क्वेश्चन जो कई बार पूछा जाता है कि हम जो है सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं पीएच मेंटेन करने के लिए, हम जो HCl का यूज क्यों नहीं करते। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन रहेगा। पहला क्वेश्चन जो है टाइप ऑफ केमिकल विच वी यूज इन कूलिंग टावर, और दूसरा कि हम जो है व्हाई वी नॉट यूज HCl जो है इन प्लेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये दोनों देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो है पहला जो केमिकल है वो है 98% सल्फ्यूरिक एसिड जो हम यूज करते हैं कूलिंग टावर में, वो सबसे पहला जो है 98% सल्फ्यूरिक एसिड। इसका यूज किस लिए किया जाता है? पीएच मेंटेन करने के लिए। पीएच यानी कि जब हमें जो है पीएच जो है 7.5 के आसपास रखना है, अगर वो उसकी पीएच बढ़ रही है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा अगर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की बात करें तो जैसे अमोनिया प्लांट का जो है, अगर आपके पास कूलिंग टावर है तो अमोनिया प्लांट में अमोनिया एक तरह से क्या है, एक तरह से आपकी बेसिक नेचर की है। ठीक है, जिसका पीएच लगभग 12 के आसपास है। तो कभी कभी क्या होता है कि किसी भी कोई हीट एक्सचेंजर लीक हो गया जिसमें अमोनिया का फ्लो हो रहा है, तो वो क्या करेगा, कूलिंग टावर के पीएच को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। या जो है कहीं से ऐसा केमिकल आ जा रहा है जिसकी वजह से जो है आपका जो है पीएच बढ़ जाए, तो उस केस में जो है पीएच को आपको 7 या 7.5 रखना तो है ही, उससे जो है ऊपर रखेंगे तो आपकी स्केलिंग की दिक्कत, और 7 से कम रखेंगे तो कोरोजन की दिक्कत। तो आपको पीएच मेंटेन करना होता है। तो पीएच जब हाई पीएच हो जाता है आपका 8.5 से ऊपर होने लगता है, तो उस केस में आप क्या करते हो कि जो है सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हो, सल्फ्यूरिक एसिड की डोजिंग चला लेते हो। जैसे लैब से रिजल्ट मिल गया कि पीएच इतना है, तो उस केस में जो है डोजिंग आप चला देते हो और जो है पीएच मेंटेन कर देते हो। तो सबसे पहला जो पीएच मेंटेन करने के लिए हम पहला जो केमिकल यूज करते हैं वो है दोस्तों 98% H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अब नेक्स्ट इसमें आगे बताएंगे कि हम HCl का यूज क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, दूसरा केमिकल जो यूज करते हैं सबसे ज्यादा वो है दोस्तों क्लोरीन। क्लोरीन का यूज करते हैं। क्लोरीन क्या है, किस लिए यूज करते हैं? तो ये दोस्तों किलिंग बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को किल करने के लिए। बैक्टीरिया को किल करने के साथ साथ ये अन्य जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे एल्गी हुई, फंगी हुई या बैक्टीरिया हुआ, इन सबको भी ये क्या करती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक तरह से किल करती है, ख़त्म करती है। क्यों दोस्तों, ऐसा क्या है? तो इसमें जो मेन है जो हमें समझना है कि क्या होता है कि जो है एल्गी क्या करती है, कूलिंग टावर कूलिंग वाटर में अगर रहेगी तो कूलिंग वाटर ही आप जानते हो हीट एक्सचेंजर में जाएगा, जहाँ भी कूलिंग मीडियम चाहिए वहाँ पर कूलिंग वाटर जाएगा। तो एल्गी क्या करती है कि एल्गी का सबसे बैड काम ये है कि ये क्या करेगा कि इंटरफियर विथ ब्रेकअप वाटर इनटू ड्रॉपलेट। अगर पानी में जो है एल्गी प्रेजेंट है तो वाटर की जो वाटर है वो उसकी ड्रॉपलेट जो है नहीं बनेगी या बहुत कम बनेगी। ठीक है, यानी कि जो है वाटर है वो जो है ब्रेक नहीं हो पाएगा ड्रॉपलेट में। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोस्तों जो है उसमें क्या है, एल्गी प्रेजेंट है। एल्गी प्रेजेंट होने का सबसे बड़ा जो है ड्रॉबैक यही है कि जो वाटर है वो जो है ड्रॉपलेट में कन्वर्ट नहीं हो पाता। आपने देखा होगा कूलिंग टावर में ये समस्या। अब जब ड्रॉपलेट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो उससे क्या होगा? तो आपने देखा होगा कि जो कूलिंग टावर का जो है फैक्टर निर्भर करता है वो है साइज पे भी डिपेंड करता है। तो ड्रॉपलेट जितनी छोटी छोटी बूंदे में टूटेगी उतनी ही जो है हीट जो है रिलीज होके ऑपरेट होके बाहर निकलेगी, लेकिन ड्रॉपलेट बनेगा ही नहीं तो जो है हीट जो है जो रिटर्न वाटर की जो हीट है वो बाहर नहीं निकल पाएगी। तो ये सबसे बड़ा नुकसान ये करती है कि जो है एल्गी जो है पानी को ड्रॉपलेट में ब्रेकअप होने के लिए जो है इंटरफेयर करती है, यानी कि होने नहीं देती है। ठीक है, दूसरा जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करूँ, फंगी क्या काम करती है? तो फंगी जो है डिस्ट्रॉयड वुड इन अ कूलिंग टावर। कूलिंग टावर आपका लकड़ी का बना होता है, उसके जो है मैक्सिमम कूलिंग टावर जो है RCC के तो होते नहीं हैं, वुड के लकड़ी के भी होते हैं। तो फंगी सबसे ज़्यादा जो है जो लकड़ी जो कूलिंग टावर में लगी है
उस लकड़ी को बहुत तेजी से डिस्ट्रॉय करेगा, इसलिए इसको हटाना जरूरी है। तीसरा तीसरा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है दोस्तों, वो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का काम क्या है, ये जो है सीमेंटिंग एजेंट है बिटवीन डॉट केमिकल या अदर जो है TSS सस्पेंडेड सॉलिड कह लो, यानी कि ये सीमेंटिंग एजेंट है। ये क्या करेगी, ये जो है प्रिसिपिटेट फॉर्मिंग स्टिकी मासेस दैट मे बी ऑब्स्ट्रक्ट द सर्कुलेशन ऑफ वाटर। ये क्या करेगी, इसका काम ये क्या है कि ये सीमेंटिंग एजेंट है, जो केमिकल आप डोज कर रहे हो या जो एक तरह से डर्ट धूल वगैरह जो आया, धूल या सस्पेंडेड सॉल्ट वगैरह क्या हुआ, तो उनको ये एक तरह से क्या करेगी, ये सीमेंटिंग एजेंट है, यानी कि उनको जोड़ देगी, एक दूसरे में जोड़ देगी। और वो जाके कहाँ पे चिपकेंगे, ट्यूबों में, ट्यूबों के सरफेस पे वो चिपकते जाएंगे, और इस तरह से जो है ये स्टिकी मासेस बहुत अधिक मात्रा में चिपक जाएंगे, और जिसकी वजह से जो है दैट में ऑब्स्ट्रक्ट द सर्कुलेशन ऑफ वाटर, जिसकी वजह से जो अब जब अब ट्यूबों में चिपक जाएंगे तो वाटर का सर्कुलेशन प्रॉपर होगा नहीं, वाटर का सर्कुलेशन ही क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। समझ में आया आपको कि बैक्टीरिया का काम क्या है, बैक्टीरिया एक तरह से सीमेंटिंग एजेंट का काम करेगा, यानी कि ये डर्ट को, केमिकल को या अन्य जो है सस्पेंडेड पार्टिकल को जोड़ देगा, और जोड़ के जो है स्टिक कर देगा, ट्यूबों में चिपका देगा, ट्यूबों के सरफेस में चिपका देगा, जिसकी वजह से वाटर का सर्कुलेशन प्रॉपर हो नहीं पाएगा, और जब वाटर का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगा तो हीट एक्सचेंजर अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, यानी कि कूलिंग जो है वाटर की एफिशिएंसी कम हो जाएगी, है ना। तो इसलिए जो है हमें क्या करना है कि बैक्टीरिया को किल करना है। तो बैक्टीरिया का कैसे ये काम करता है दोस्तों, तो जब हम क्लोरीन को पानी में डोज करते हैं, इसके कैसे क्लोरीनेशन करते हैं ये ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। तो जब क्लोरीन को वाटर में डालते हैं तो ये जो है वाटर से रिएक्शन करके बनाती है HClO+H+ आयन+Cl-, ठीक है। तो ये जो HClO है, यानी कि हाइपोक्लोरस जो एसिड बना ये सबसे टॉक्सिक एजेंट है, यानी कि ये बहुत ही जहरीला पदार्थ है, किसके लिए दोस्तों, बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, यानी कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेल को ही ख़त्म कर देगा, जो जो डेवलप होने वाली सेल है उनको ही ख़त्म कर देगा, यानी कि जब इसको डिजोल्व करेंगे तो इससे जो है मैक्सिमम हमारे जो है क्लोरीन से जो है अकेले क्लोरीन रहेगी तो उतना वो जहरीली नहीं होगी, और जब ये वाटर से रिएक्शन कर देगी, जब हाइपोक्लोरस बना देगी, तो ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक, बहुत ही जहरील। जैसे बहुत सारे केमिकल ऐसे होते हैं जो नॉर्मली जो है उतने जहरीले नहीं होते, लेकिन किसी के साथ मिल जाते हैं तो वो एक तरह से बहुत ही ज़्यादा जहरीले साबित हो जाते हैं। तो ठीक ऐसे ही ये क्या कर लेगा, हाइपोक्लोरस बना लेगा, टॉक्सिक एजेंट, जिसकी वजह से जो है पूरे बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएंगे ये सब, है ना। तीसरा जो हम यूज करते हैं केमिकल, फास्फेट प्लस जिंक का यूज करते हैं। फास्फेट और जिंक जो है एक तरह से क्या है, ये एक तरह से कोरोजन इनहिबिटर है। कोरोजन जो है ये एक तरह से पैसिवेशन लेयर बना लेंगे, जिसकी वजह से कोरोजन होगा नहीं, उसको हम आगे डिटेल में और समझेंगे, ठीक है। चौथा है दोस्तों स्केल इनहिबिटर। जो स्केल इनहिबिटर दो टाइप के यूज होते हैं, पहला जो है नॉर्मली कूलिंग टावर में ही यूज करते हैं, जिसका काम क्या है, क्रिएट पैसिवेशन लेयर, जो एक तरह से स्केल इनहिबिटर जो है एक तरह से स्केलिंग से बचने का यही तरीका है कि जो है एक तरह से लेयर बना ले, वो डायरेक्ट जो है मेटल के कांटेक्ट में ना आए। स्केलिंग की बहुत बड़ी जो है फिनोमिना है वो आपको पता ही होगा। तो ये स्केलिंग जो है एक तरह से नॉर्मल स्केलिंग के लिए जो है Type 1 जो है ग्रेड का स्केल इनहिबिटर यूज करते हैं, और दूसरा स्केल इनहिबिटर Type 2 यूज करते हैं, जो ओनली जो है हाई टेम्परेचर, जहाँ पे हाई टेम्परेचर पाया जा रहा है, जैसे कूलिंग वाटर है तो उसका यूज नॉर्मली कहीं कंडेंसर में यूज होता है कहीं कुछ, लेकिन जहाँ पे उसका यूज बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, जैसे अगर आप बात करें जो है क्रिटिकल हीट एक्सचेंजर में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है वहाँ पे कूलिंग वाटर जा रहा है, ठीक है। तो कुछ जो है जैसे सिलिका की बात करते हैं, तो सिलिका नॉर्मल टेम्परेचर पे
कहीं रिएक्शन नहीं करती, मेटल के सरफेस से रिएक्शन नहीं करती, लेकिन जैसे ही जहाँ ज़्यादा टेम्परेचर मिला उसको, वो तुरंत जो है एक तरह से रिएक्शन करना शुरू कर देती। यानी कि सिलिका जो है ज़्यादा टेम्परेचर मिलने पे ही एक्टिव हो जाती है, नॉर्मल टेम्परेचर पे एक्टिव नहीं होती। तो उस केस में क्या होगी कि जहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा वहाँ पे सिलिका एक्टिव हो जाएगी और सिलिका एक तरह से स्केल क्रिएट करेगी, ठीक है। तो उस केस में हम जो है टाइप टू जो है ग्रेड का जो है स्केल इनहिबिटर यूज करेंगे, ठीक है। वो वहीं पे यूज करेंगे जहाँ पे पार्टिकुलर, आपने बहुत जगह देखा होगा जहाँ पे हीट एक्सचेंजर ज़्यादा टेम्परेचर जहाँ पे ज़्यादा रहता है वहाँ पे वाटर जो है एक तरह से कूलिंग के लिए जाता है, तो वहाँ पे एक छोटा सा पंप लगा देते हैं, डोजिंग पंप, और वो वहीं पे डालते हैं, वहीं पे जो है स्केल इनहिबिटर को डालते रहते हैं ताकि जो है उस टेम्परेचर पे जो है स्केल जो है रिएक्शन करके स्केल फॉर्मेशन ना करे, ठीक है। इसके अलावा जो है छठा जो केमिकल हम यूज़ करते हैं, बायोसाइड यूज़ करते हैं। बायोसाइड जो है एक तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है ख़त्म करने का एक तरह से सॉफ्ट जो है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे एल्गी है, फंगी है, बैक्टीरिया है, इनको जो है मारने का एक तरह से सॉफ्ट ट्रीटमेंट है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ जो हीट एक्सचेंजर के ट्यूबों वगैरह में रुक जाते हैं और मतलब जगह बना लेते हैं, अपना स्थान बना लेते हैं, तो उनको जो है अचानक जो है मतलब सॉफ्ट ट्रीटमेंट किस लिए, समझ रहे हैं ना, सॉफ्ट ट्रीटमेंट कोई आदमी है तो नॉर्मली उसको सॉफ्ट ट्रीटमेंट देते हैं ताकि उस केस में जो है अचानक जो है उसमें बदलाव आ जाए, है ना। तो वैसे ही बैक्टीरिया क्या होता है कि हैबिचुअल हो जाता है, वो जो है ट्यूबों में अपना जगह बना लेता है, इतना केमिकल जो है क्लोरीन डोज करने पे भी वो नहीं मरता। तो उस केस में क्या करते हैं, एक तरह से सॉफ्ट ट्रीटमेंट देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, है ना। तो बायोसाइड ग्रेड वन यूज करते हैं। इसमें क्या करेंगे, हम जो है बायोसाइड को डाल देंगे कूलिंग वाटर में और उसका सर्कुलेशन सब जगह चलेगा, जहाँ प्लांट में, जिस कंडेंसर में, जिस हीट एक्सचेंजर में पानी जाता रहेगा, 6-7 घंटे पूरा उस ट्यूब को पूरी तरह से फ्लश कर देगा, क्योंकि पानी में रहेगा वो पूरा सर्कुलेट हो जाएगा पूरे प्लांट में। हम जैसे जिस जहाँ जहाँ कूलिंग वाटर का यूज होगा वो वहाँ वहाँ सर्कुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो उन ट्यूबों की कह लो कि सॉफ्ट ट्रीटमेंट हो जाएगा, यानी कि उस ट्यूबों में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे उनकी सॉफ्ट ट्रीटमेंट हो जाएगी अचानक, ठीक है। और उसके अलावा जो इसके साथ एक और प्रक्रिया है बायोसाइड देने का, कि बैक्टीरिया क्या होता है कि हैबिचुअल हो जाता है, वो ये सब मतलब जो क्लोरीन आप डाल रहे हो तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि वो उससे ख़त्म नहीं होते, वो उनके लिए जो जो है वो जहर सफिशियंट मतलब नहीं है उनको मारने के लिए, यानी कि वो हैबिचुअल हैं, वो जानते हैं उसको, वो झेल जाते हैं ना। तो उस हैबिचुअल प्रॉपर्टी को भी दूर करने के लिए जो है हम जो है एक तरह से बायोसाइड यूज़ करते हैं पानी में। बायोसाइड भी क्या करता है, एक तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही के ग्रोथ को ही कम करता है, ठीक है। तो बायोसाइड ग्रेड वन यूज करते हैं, उसके बाद बायोसाइड ग्रेड टू, बायोसाइड ग्रेड थ्री, यानी कि बायोसाइड ही है ग्रेड वन, ग्रेड टू, ग्रेड थ्री, इनके कुछ केमिकल जो है कंपोजिशन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। बाकी क्यों ऐसा होता है दोस्तों, क्योंकि जैसे आप जो है एक ही खाने को, जो आपको एक खाना दिया जा रहा है खाने को, ठीक है, वही लगातार 1 महीने खा रहे हो, 2 महीने खा रहे हो, 3 महीने, तो एक तरह से जो है आप उब जाओगे, तो आपको जो है डिफरेंट टाइप के खाना जो है जब मिलेगा तो आपको उबन नहीं होगी, है ना। तो ये तो आपके खाने की बात हुई कि मतलब जो है एक एक टाइप का खाना खाओगे तो बोर हो जाओगे, तो दूसरा खाना जो है डिफरेंट टाइप का खाना आप खाओगे, ठीक। तो क्या होता है कि जब हम बायोसाइड एक ही ग्रेड का यूज़ करते हैं तो उस केस में जो है बायोसाइड जब बैक्टीरिया को मिलता है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मिलता है तो वो क्या होता है, हैबिचुअल हो जाता है उसको झेलने के लिए। मतलब कि एक ही जो है अगर एक ही टाइप का अगर आप बायोसाइड यूज़ कर रहे हो तो वो हैबिचुअल हो जाएगा उसी को लेके, वो जानेगा कि वही केमिकल आएगा, क्या क्या बिगाड़ लेगा मेरा, है ना। तो उस केस में क्या होगा, हम बायोसाइड ग्रेड टू दूसरे महीने जब हम करेंगे, 1 महीने इससे कर दिया, दूसरे महीने में बायोसाइड ग्रेड टू को डाल दिया, इसमें कुछ केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, मतलब ये थोड़ा सा और टॉक्सिक हो जाता है ना, तो इससे ख़त्म हो जाते हैं। फिर जो है तीसरे महीने बायोसाइड ग्रेड तीन यूज कर लेते हैं, उसमें भी थोड़ा सा केमिकल प्रॉपर्टी चेंज कर देते हैं तो वो और किल कर देता है ना।
यानी कि एक ही टाइप का बायोसाइड जो है हम बार बार यूज नहीं करते, क्योंकि अगर वही यूज करेंगे तो बैक्टीरिया जो हैबिचुअल हो जाएगा, उसको एडजस्ट कर लेगा, यानी कि एक तरह से एडजस्ट उसके साथ एडजस्ट अपने आप को कर लेगा। इसलिए जो है डिफरेंट टाइप के बायोसाइड को यूज करते हैं, यानी कि बायोसाइड ग्रेड 1, बायोसाइड ग्रेड 2, बायोसाइड ग्रेड 3। समझ में आया? थोड़ा सा थोड़ा लेंदी है, लेकिन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके साथ जो है नवा केमिकल यूज करते हैं, वो है डिक्लोर। डिक्लोर कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये जो है इंक्रीज इफेक्टिवनेस ऑफ क्लोरीन, ये क्लोरीन की इफेक्टिवनेस को बढ़ा देता है। जैसे आपने अमोनिया का रिएक्शन पढ़ा होगा, तो एक तो जो है एक तरह से उत्प्रेरक वर्धक मिला देते हैं मोलविडो, तो वो जो है कुछ करता तो नहीं, लेकिन उसकी जो है इफेक्टिवनेस को यानी कि बढ़ा देता है, उत्प्रेरक वर्धक का काम करता है। वैसे ही जब क्लोरीन जो है काम करना कम कर देती है, तो उसमें ये उत्प्रेरक का काम करता है, यानी कि डिक्लोर मिला देते हैं तो क्लोरीन की इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है, इफेक्टिवनेस यानी कि परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। जैसे आप काम करते करते जो है एकदम बोर हो जाते हो, लेकिन कोई आके जो है मोटिवेट कर देता है आपको, तो अगर आपको मोटिवेशनल स्पीच दे देता है, कुछ ऐसा बात कह देता है, तो आप एकदम एक्टिव हो जाते हो, आपके जो है काम करने की इफेक्टिवनेस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यही काम डिक्लोर करता है, ये जो क्लोरीन की इफेक्टिवनेस को बढ़ा देता है। ठीक, इसके साथ हम अब इन सब चीज़ों से, जैसे आपने यूज कर लिया क्लोरीन, बायोसाइड, डिक्लोर, इन सब से जो है फिर भी अगर नहीं मर पा रहे हैं आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं खत्म हो पा रहे हैं, तो लास्ट ऑप्शन है आपका ब्रोमाइड, ब्रोमाइड या ब्रोमीन कह लो, इसका भी यूज हम जो है बैक्टीरिया किलिंग करने के लिए, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए ये लास्ट ऑप्शन है। ये जो है ये सबका जो है एक तरह से बाप है ना, जब बिल्कुल जो है ख़त्म नहीं हो पाएंगे तो उनको एकदम ख़त्म करने के लिए ब्रोमाइड यूज करेंगे, ये आएगा सबका एकदम खात्मा कर देगा, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बचेगा ही नहीं। लेकिन बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन जब होती है, बहुत कम यूज होता है वो। जैसे सबसे पहले तो क्लोरीन ख़त्म कर देगी, क्लोरीन से बचेंगे तो आपका जो है डिक्लोर मिलके जो है क्लोरीन इफेक्टिवनेस हो जाएगी, और फिर ख़त्म करेगी, उससे भी नहीं हुआ तो बायसाइड से ख़त्म होगा, बायसाइड से भी नहीं होगा तो लास्ट में आपको ब्रोमाइड यूज करना पड़ेगा। और ये भी जो है ये इसको मिलाते हैं सब, सबका खेल ख़त्म। ठीक है, लास्ट में एक 11वां जो है केमिकल हम मिलाते हैं जिंक। ठीक है, जिंक को हम कहते हैं दोस्तों सक्रिफाई एजेंट। ठीक है, जिंक, जिंक के बारे में एक और आपने पढ़ा होगा कि जब हम गैल्वेनाइजेशन करते हैं तो उस केस में जिंक की कोटिंग कर देते हैं, यानी कि कोरोजन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, मतलब जो है रस्टिंग से बचने के लिए कह लो, है ना, रस्टिंग एक टाइप का कोरोजन ही है, तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं आयरन में, आयरन पे जो है जिंक की कोटिंग कर देते हैं, उससे होता कुछ नहीं है। जैसे ये आयरन है और यहाँ पे जो है आपने कर दिया किससे, जिंक की कोटिंग, तो कोई भी रिएक्शन होगी वो जिंक से ही होगी, आयरन आपका बचा रहेगा और जिंक से ही रिएक्शन होगी, ख़त्म क्या होगा, जिंक, जिंक। तो इसीलिए जो है इसको सक्रिफाइंग एजेंट कहते हैं, यानी कि सक्रिफाई करता है, बलिदान देता है, खुद का बलिदान देता है, यानी कि खुद जैसे सैनिक होते हैं, खुद जो है शहीद हो जाते हैं और देश की रक्षा करते हैं, ठीक ऐसे ही जिंक का काम है, ये क्या करता है, सक्रिफाइंग एजेंट है, ये जो है अपने आप को जो है ख़त्म करके आयरन की सुरक्षा करता है, किस केस में, गैल्वेनाइजेशन में। ठीक है, तो ठीक ऐसे ही, और इसको इससे भी समझ सकते हैं, ये रिएक्टिव सीरीज हमने लिखा है। ठीक है, जैसे ऊपर हमारा वेरी रिएक्टिव केमिकल है, सॉरी वेरी रिएक्टिव जो है सब्सटेंस है, और नीचे जो है लेस रिएक्टिव, इधर जाएंगे तो लेस रिएक्टिव और ऊपर जाएंगे तो जो है वेरी हाई रिएक्टिव। ठीक है, जैसे लिथियम बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है, पोटेशियम हो गया, बेरियम हो गया, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, कार्बन हो गया। अब देखिए जिंक, जिंक भी ज़्यादा रिएक्टिव है, किसके कंपेयर, आयरन के, किसके कंपेयर दोस्तों, आयरन के। और जानते हो कि जितनी भी लाइनें हैं आपकी जो है उसमें आयरन पाया जाता है, जितनी भी लाइनें जो कूलिंग टावर की पाइप लाइनें जितनी भी हैं उसमें आयरन तो होता ही है, तो आयरन, आयरन जो है लेस रिएक्टिव है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, इसके अपेक्षा रिएक्टिव ज़्यादा क्या है, जिंक है। तो कोई भी
कोई भी जो है प्रॉब्लम आएगी तो जिंक अपने आप को खत्म कर डालेगा और आयरन को जो है एक तरह से बचा लेगा, आयरन की पाइपलाइन को एक तरह से बचा लेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको सक्रिफाइड एजेंट कहते हैं। यहाँ से भी आप समझ सकते हो रिएक्टिव सीरीज से, क्योंकि जो जिंक है वो ज़्यादा रिएक्टिव है किसके कंपेयर आयरन के। तो सबसे पहले रिएक्शन कौन करेगा, जिंक करेगा, ठीक है। तो जब कूलिंग टावर में जब जिंक की हमने जो है कुछ पीपीएम रख रखा है, जैसे मान लीजिए, अभी मान लीजिए, सपोज कीजिए कि जिंक हो जो है कूलिंग वाटर में जो है 15 PPM होना चाहिए। ये सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि जिंक जो है 15 PPM होना चाहिए, लेकिन अचानक जो है जिंक जो है 5 PPM हो गया, ठीक है। तो उस केस में जो है आप यहाँ पे जो फास्फेट प्लस जिंक की डोजिंग बढ़ाएंगे तो उससे ये कंट्रोल नहीं होगा। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जिंक, ओनली जिंक की अलग से डोजिंग करेंगे, है ना। यानी कि जो है 15 PPM मेंटेन नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में इसको जिंक की एक्स्ट्रा डोजिंग करेंगे। वो क्या करेगा कि उसमें पानी में मिल जाएगा, यानी कि पानी में 15 PPM मिल रहा है, यानी कि कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे जैसे डाउन हो रहा है, यानी कि रिएक्शन कहीं हो रही है जिसकी वजह से जिंक हमारा खत्म हो रहा है ना। तो उस केस में जिंक की एक्स्ट्रा आप डोजिंग करेंगे, जिसको सेक्रीफाई एजेंट कहते हैं। वो क्या करेगा, अपने आप को खत्म कर लेगा और आयरन को बचा लेगा, या जो है ना। इसके अलावा जो है 12वां जो लास्ट केमिकल यूज होता है वो है डिस्पर्जेंट एजेंट, है ना। डिस्पर्जेंट एजेंट तो मेनली कुछ नहीं होता दोस्तों, जैसे आपने कोआगुलेशन पढ़ा था, तो कोआगुलेशन में क्या होता था, छोटे छोटे पार्टिकल जो मिलके जो है बड़े पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि ये पार्टिकल फैले रहते थे और उसके बाद जो है ये 3 पार्टिकल फैले हुए हैं, फिर जो है ये कोआगुलेशन में जैसे एलन मिलाते थे तो ये जो है तीनों एक जगह आ जाते थे, है ना, एक जगह ये आ जाते थे। अगर हैवी होते थे तो वो एक तरह से सेटल हो जाते थे, लाइनों में सेटल हो जाते थे, ठीक है। तो ये कोआगुलेशन का उल्टा है, ये क्या करेगा, जो डिस्पर्जिंग एजेंट है जो बड़े पार्टिकल का रूप ले लिए हैं, जो जस्ट सेटल हो जाएंगे लाइन में, तो उसको सेटल होने ही नहीं देता, उनको अलग अलग कर देता है, उनको अलग अलग करेगा, यानी कि वो किसी भी केस में सेटल होंगे नहीं, वो लाइन में तैरते रहेंगे, ठीक है। जब सेटल होकर लाइन में नीचे बैठेंगे नहीं, पाइपलाइन में बैठेंगे नहीं, तो उस केस में स्केलिंग होगी ही नहीं, क्योंकि वो जो है उसके लिए जो है रिटेंशन टाइम नहीं, वो तो बस जो है कोई भी चीज़ तभी तो होगी जब वो एक तरह से टच में आएगी सरफेस के। तो डिस्पर्जेंट एजेंट जो है उनका काम ये है कि वो उस पार्टिकल को जो है निगेटिव पार्टिकल हो या जो भी पार्टिकल है हमारे, उनको जो है एक तरह से डिस्पर्ज कर देना, यानी कि एक जगह इकट्ठा न हो, मतलब सेटल न होने देना, वो तैरते रहें उस लाइन में, तैरते रहें जो है वो सेटल न हो, तो उनके लिए जो है एक तरह से डिस्पर्जिंग एजेंट यूज करते हैं, ठीक है। अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे, जो हमने पहले शुरुआत किया था कि पीएच मेंटेन करने के लिए हमने HCl यूज किया, हमने सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया, HCl का क्यों नहीं, ठीक है। एक रिएक्शन अगर आप देखो यहाँ पे, तो सॉरी हिल गया थोड़ा सा, चलिए इसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। इसमें देखिए हम इससे देखते हैं, कोशिश करते हैं, ये सब तो हो ही गया। यहाँ पे देखिए मैंने रिएक्शन लिख रखी कि हम जो है HCl का यूज क्यों नहीं करते दोस्तों। देखिए अगर HCl को का यूज अगर आप करोगे पीएच मेंटेन करने के लिए तो क्या होगा, HCl जो है जैसे आप पानी में डालेंगे तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन होगी और वहाँ पे जो है ये पानी से रिएक्शन करके H3O+ आयन बना लेगा, प्लस क्लोरीन को रिलीज करेगा, क्लोरीन निगेटिव, ठीक है, जो है ठीक है, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे मुक्त क्या हो रही है आपकी, क्लोरीन, वो भी निगेटिव में, क्लोरीन निगेटिव रिलीज होगी, है ना। आपने हार्डनेस भी पढ़ा होगा कि जो है हार्डनेस जो है 2 टाइप के होते हैं, एक टेम्परेरी एक परमानेंट। परमानेंट में जो है कैल्शियम क्लोराइड के बारे में आपने पढ़ा होगा, कैल्शियम क्लोराइड और सल्फेट वगैरह। तो ये जो क्लोरीन है वो अल्टीमेट जो है एक तरह से पानी में, जो कूलिंग वाटर का जो पानी है उसमें जो है क्लोराइड बढ़ा देगा,
अगर एसिल यूज करेंगे तो वो पानी में क्लोराइड को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। जब क्लोराइड बढ़ा देगा तो आप जान रहे हो अल्टीमेट ये परमानेंट हार्डनेस का रूप लेने वाला है। लेकिन अगर सल्फ्यूरिक एसिड मिला रहे हो तो इसमें कोई ऐसा तत्व जो है टूटेगा तो कोई ऐसा है नहीं कि जो जो है अल्टीमेट जाके जो है हार्डनेस का जो है काम करेगा, ठीक है। तो यही मेन रीजन है। एसीएल मिलाने में कुछ नहीं, एसीएल बहुत सस्ता होता है, बहुत इजी अवेलेबल है, कहीं से भी मिल जाएगा, है ना। कम कॉस्टली होता है, फिर भी इसका यूज ही नहीं करते क्योंकि इसमें जो क्लोरीन जो है जो रिलीज होगी अलग से, अलग होगी वो एक तरह से क्लोराइड जो है, क्लोराइड की वैल्यू जो है हमारी जो है क्लोराइड जो है एक तरह से कहीं कहीं 100 PPM नहीं तो जो है 60 PPM के आसपास जो है क्लोराइड की मात्रा रखते हैं हम। लेकिन जो है उस केस में जो है ये क्लोराइड बढ़ जाएगा। किस केस में? अगर ऐसे यूज करेंगे तो। और क्लोराइड बढ़ जाना सबसे खतरनाक है, कूलिंग टावर में सबसे खतरनाक पैरामीटर जो है क्लोराइड ही है, क्योंकि क्लोराइड अगर बढ़ गई तो यानी कि परमानेंट हार्डनेस स्केलिंग बहुत बुरा हो जाएगा, ठीक है। तो यही एक मेन रीजन है जो जिसकी वजह से हम एसीएल का यूज नहीं करते, क्योंकि उससे क्लोराइड की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे परमानेंट हार्डनेस में जो है कैल्शियम क्लोराइड जो भी है वो ज़्यादा बनेंगे हैं और हमारा ओवरऑल जो है कूलिंग वाटर जो है डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो ये हैं दोस्तों, आई होप आपने सब समझ लिया होगा। और जो है कौन कौन सा केमिकल यूज करते हैं, इसका यूज क्यों नहीं करते हैं, जिंक को सक्रिफाई एजेंट क्यों कहते हैं, और बायोसाइड अलग अलग ग्रेड के क्यों डालते हैं। पहले महीने में बायोसाइड ग्रेड 1 डालेंगे, दूसरे महीने जब डालेंगे बायोसाइड ग्रेड 2, उसके बाद बायोसाइड ग्रेड 3, ठीक है। उसके बाद जो है 6 घंटे इसका सर्कुलेशन करेंगे, उसके बाद उसको पूरी तरह से जो है एक तरह से आप जो है ड्रेन कर देंगे, उस पानी को निकाल देंगे कूलिंग टावर से, है ना। तो ये सारे जो है फिनोमिना है, मैंने कोशिश तो किया समझाने की। बाकी और कुछ अगर ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।